And it is a very strange creature because it is half man, half spider. You can see that creature in the picture now. You can see this creature. Kobi. He is an He is an And she is a witch. She is a witch. She is an angry and unpleasant witch who does not like her name. जिसको अपना नाम पसंद नहीं है ठीक है एक ऐसी विच है एक ऐसी जादूगरनी है ये जिसको अपने नाम से शदीद नफरत है और जो कोई भी उसका नाम कहीं भी लेता था तो उसको गु़स्सा आ जाता था शी बिकेम फ्यूरियस फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री जब कभी वो अपना नाम कहीं से सुनती तो उसको बहुत ज़्यादा गु़स्सा आ जाता था अच्छा कल तक की जितनी हमने स्टोरी पढ़ी उसमें मैंने बताया कि एन वाज वॉज़ वॉकिंग इन हिज विलेज एंड ही पास्ट बाई हिज नेबर्स हाउस विच वॉज द हाउस ऑफ द विच ठीक है विच के घर के पास से गुजरा एंड ही हर्ड समथिंग उसको कुछ सुनाई दिया एंड ही बिकेम वेरी प्लीज वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया जो उसको सुनाई दिया वो उसको सुनकर बहुत खुश हुआ क्या सुनाई दिया अभी उसके लिए हमें स्टोरी को आगे पढ़ना पड़ेगा ओके एनानसी पीक्ड थ्रू अ गैप इन द विच इज ये विच के हाउस का बाहर का फेंस है ठीक है यू कैन सी द फेंस एंड दिस इज़ एनानसी ही इज़ पीकिंग थ्रू द गैप इन द विच इज ठीक है जो जादूगरनी के घर का फेंस है बाहर का जो फेंस है उसमें से उसने झांक कर देखा पीक थ्रू का मतलब है झांक कर देखा झांक कर देखा शी वॉज स्टरिंग हर बेग कुकिंग पॉट एंड मटरिंग एंड मम्बलिंग अ स्पेल अच्छा मटरिंग एंड मम्बलिंग जो होती है जो क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होती जब आपकी बात कर रहे हो और क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होती दैट इज़ कॉल्ड मटरिंग एंड मम्बलिंग अ स्पेल शी वॉज सेइंग समथिंग बट नो वन वॉज एबल टू अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज सेंग ठीक है मतलब वो बड़बड़ा रही थी कुछ बोल रही थी बट वॉट वॉज देट नो वन कोड अंडरस्टैंड ठीक है सो शी वॉज स्टरिंग अ बिग कुकिंग पॉट एक बिग कुकिंग पॉट में वो चमचा हिला रही थी ठीक है उसको मिक्सअप कर रही थी एंड शी वॉज मटरिंग एंड मामलिंग अ स्पेल कोई मंत्र बोल रही थी ठीक है मंत्र बोल रही थी द स्मोक एंड स्पार्क्स वर ब्लू एंड ग्रीन ठीक है स्मोक जो थी वो ग्रीन थी स्पार्क्स जो थे वो ब्लू थे सो एन एन सी न्यू She was cooking up some big magic. ठीक है जो वो पका रही थी उसमें से ग्रीन कलर का धुआं निकल रहा था और ब्लू कलर के स्पार्क्स निकल रहे थे तो एनएनसी को पता चल गया कि शी वॉज कुकिंग अप सम बिग मैजिक शी वॉज कुकिंग अप सम मैजिक ठीक है यहां पर एन एनसी साहब को तो पता है कि ये जादूगरनी है कोई आम औरत नहीं है और इतने बड़े पॉट में कुछ पका रही है और अच्छा चलो पका हम बड़े पॉट में पका सकते हैं शादी वगैरह में हम बड़े पॉट्स में ही चीज़ें पकवाते हैं तो अगर वो पका रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो वो पका रही है उससे जिस कलर की स्मोक और स्पार्क्स निकल रहे हैं उससे एन को पता चल गया कि शी वॉज कुकिंग सम बिग मैजिक ये कोई मैजिक बना रही है ठीक है सडनली शी स्नेश अप हर स्टाफ and started to pound it on the ground as she walked around the pot. अब शायद जब उसका मैजिक uh, तैयार हो गया तो सडनली शी स्नेस्ट अप हर स्टाफ स्टाफ कहते हैं लाठी को वॉकिंग स्टिक को कहते हैं ठीक है जो वॉकिंग स्टिक उसकी थी वो उसने उठाई और ज़मीन पर उसे पाउंड करना शुरू कर दिया ना अब आपको uh, जब जब चलते हैं तो आप उसको जमीन पर रख कर चलते हैं और इसकी कोई साउंड ऐसे आती है लेकिन जब मंत्र पढ़ रही थी वो आ, फाइव फाइव जब मंत्र पढ़ रही थी तो वो अपने बिग कुकिंग पॉट के इर्द गिर्द घूमना शुरू होगी चक्कर काटना शुरू होगी ठीक है और चक्कर काटते हुए वो ज़मीन पर बार बार अपनी स्टाफ को मार रही थी ठीक है जिस तरह इस वक्त मैं एक चीज़ को टेबल पर इसको पाउंड कर रही हूँ ताकि आपको साउंड का पता चले कि जैसे जैसे वो बिग कुकिंग बिग कुकिंग पॉट के इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी इसी तरह वो जमीन पर स्टाफ को मारती भी जा रही थी ठीक है स्टाफ याद रखें कि स्टाफ का मतलब है वॉकिंग स्टिक वॉकिंग स्टिक एंड स्टार्टेड टू पाउंड ऑन द ग्राउंड एज शी वॉक अराउंड द पॉट ठीक है पाउंड करना शुरू कर दिया उसे मारना शुरू कर दिया ग्राउंड के ऊपर जब वो पॉट केर्द गिर्द घूम फिर रही थी एनैंसी लिसन केयरफुली टू वर्ड शी सेड एनैंसी गौर से सुनने लगा अब आई टोल्ड यू दैट द विच वॉज मटरिंग एंड मम्बलिंग द स्पेल सो नो वन वॉज एबल टू अंडरस्टैंड सो अनैन्सी ने क्या किया कि गौर से सुनना शुरू कर दिया ताकि उसे समझ आ जाए कि यह क्या कह रही I curse anyone who says the word five to disappear forever. I curse anyone who says the word five to disappear forever. अच्छा मेरा जो मंत्र है वो ये है कि मतलब मैं कर्ज करती हूँ उन तमाम लोगों को जो फाइव बोलेंगे वो गायब होंगे जितने लोग भी दुनिया में फाइव बोलेंगे वो सारे गायब हो जाए ठीक है ताकि कोई आइंदा मेरा नाम बोलकर मुझे छेड़े ना ठीक है अच्छा वैसे जो विच था विच थी उसका जो मकसद था वो ये था कि उसे कोई तंग ना करे लेकिन इस ग़ुस्से में उसने इतना बड़ा मंत्र बोल दिया कि दुनिया में जो कोई भी जहाँ भी फाइव बोलेगा वो गायब हो जाएगा ठीक है मतलब इंतहाई गुस्से से उसकी अक़ल ने इतना काम नहीं किया कि फ़ाइव जो वर्ड है वो दुनिया में कहीं भी यूज़ होगा और लोगों के काम भी आ रहा होगा तो उसकी वजह से लोग ग़ायब होंगे लेकिन शदीद गुस्सा था इसलिए उसने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और क्या कहा कि मेरी तरफ़ से ये कर्ज है मेरी आ, लानत हो उन लोगों पर जो मेरे मेरे नाम को बोलेंगे जो फ़ाइव वर्ड को बोलेंगे तो वो फिर क्या हो वो गायब हो जाए गायब हो जाए ठीक है तो बस अब क्या हुआ एन एन सी रब्ड हिज हैंड टुगेदर एंड जंप्ड अराउंड ऑन हिज एट हैरी लेग्स ठीक है आपको बताया है, वो क्या था स्पाइडर था तो उसके एट लेग्स थे हेरी लेग्स मीन्स उसके जो लेग्स थे वो कवर्ड विद हेयर थे उसके पूरे जो लेग्स थे उन पर बाल थे ठीक है तो ही जम्पड राउंड ऑन हिज एट है मतलब ही स्टार्टेड डांसिंग ठीक है ही स्टार्टेड डांसिंग वो नाचना शुरू किया उसने शुरू कर दिया उसने एंड ही रब्ड हिज हैंड टुगेदर और ख़ुशी से हाथ मलना शुरू कर दिया ठीक है जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वैसे ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों का सोचकर आप अपने हाथ रब करते होंगे जब खुश होते हैं कि आपकी फेवरेट डिश बनने वाली है तो आपने नोट किया होगा कि आप ऑटोमेटिकली अपने हाथ रब करना शुरू कर देते हैं जस्ट टू गेट रेडी टू ईट इट ठीक है तो यहाँ पर एन ने क्या किया कि ही रब्ड हिज hands together एंड jumped around ऑन हिज एट hairy यू like he ही स्टार्टेड डांसिंग आह दिस कुड मेक मी सम मनी एंड गेट सम फूड ऑन द टेबल फॉर माय फैमिली अब इसके जहन में कोई आइडिया आया था ठीक है और उस आइडिया को सोच के उसने सोचा कि अब तो मेरे पास पैसा भी आ जाएगा और मेरे पास फूड भी आ जाएगा ठीक है मेरे मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए मेरे पास ढेर सारा फूड आ जाएगा ठीक है ही स्माइल वाइडली एंड है टीथ स्पार्कल्ड जब वो मुस्कुराया तो उसके दांत नजर आ रहे थे ओके ओके दिस इज कॉल्ड ग्रिनिंग जब आप ग्रिन करते हो जब आप मुस्कुराते हो वाइडली और आपके दांत सारे नजर आना शुरू हो जाए तो उसको ग्रिन कहते हैं क्या कहते हैं ग्रिन जी आर आई एन ग्रिन ठीक है ही स्माइल्ड वाइडली एंड शार्प टीथ स्पार्कल्ड उसके दांत चमक रहे थे ठीक है खुशी से उसके दांत भी चमक रहे थे सो एन एंसी ब्रश्ड टू द पाथ दैट रन रैन अलॉन्ग द रिवर बैंक बिटवीन द विलेज एंड द मार्केट प्लेस एन एन्सी रश्ड टू द पाथ दैट रैन अलोंग द रिवर बैंक बिटवीन द विलेज एंड द मार्केट प्लेस एन एन सी भागा भागा गया वैसे रश का मतलब है गो क्विकली ओके मूव वेरी क्विकली जब आप जल्दी जल्दी किसी चीज के लिए जाते हो दैट इज कॉल्ड रशिंग ठीक है सो एन एन सी रश्ड टू दाथ वो उस रोड की तरफ भागा दैट रैन अलॉन्ग द रिवर बैंक जो रिवर बैंक के साथ साथ का जो रोड है ना जो रिवर बैंक के साथ साथ जो रोड जा रहा था उसकी तरफ भागा बिटवीन द वलेज एंड द मार्केट प्लेस विलेज और मार्किट प्लेस के दरमियान का जो रास्ता था उधर जाके बैठ गया ठीक है सून एवरी वन हु वॉज गोइंग टू द मार्केट वुड वॉक पास्ट और ये वो रास्ता था जहाँ से हर किसी ने गुज़र के या तो मार्केट जाना था या मार्केट से वापस वे जाना था मतलब जिन लोगों ने भी जहाँ से जहाँ भी जाना था वो इस रास्ते से ज़रूर गुजरते आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि वो ऐसे रोड पे जाकर बैठ गया जहाँ पर बहुत सारे लोग गुजरने वाले थे चाहे वो अपने घर जा रहे थे या घर से आ रहे थे सब ने इस एक रास्ते से गुज़रना था ठीक है दे वुड बी ऑन देअर वे टू बाय द डिलिशियस यम्स बीट्स पल्सेस एंड ग्रेन्स दैट वुड बी पाइल्ड हाई इन द मार्केट अच्छा ये लोग क्यों बाहर निकलेंगे और इस रास्ते से गुजरेंगे मार्केट market जाएंगे मार्केट्स में यम्स खरीदेंगे अच्छा यम्स काइंड ऑफ वेजिटेबल तो ये एक वेजिटेबल है जिसको अरबी कहा जाता है और पश्चों में इसको कचालू कहा जाता है ठीक है यम्स बीट्स चुकंदर को कहते हैं चुकंदर ठीक है पल्सेस दालों को कहते हैं दाल मुख्तलफ़ की दालों को पल्सेस कहा जाता है और ग्रेन्स जो होती है अनाज को कहते हैं अनाज में हमारे पास गंदम है चावल है ठीक है जो ज्वार बाजरा ये सारी चीजें अनाज में ठीक है तो कोई भी चीज जिसने खरीदनी है वो जाके मार्केट प्लेस में जाएंगे और वहां पर ढेर सारे चीजें होंगी कौन कौन सी चीजें पाइल्ड हाई होंगी पाइल्ड अप होंगी मतलब ढेर लगे होंगे यम्स के बीट्स पल्स ग्रेन्स सारी चीजों के ढेर लगे होंगे ठीक है सो दे वुड बी ऑन वे टू बाय द डिलिशस यम्स बीट्स पल्सिस ग्रेन्स दैथ वड बी पाइल्ड हाई इन द मार्केट ठीक है इतनी ज्यादा चीज़ें वहाँ पर होंगी ढेर लगे होंगे पायल्ड ढेर लगे होंगे बड़े बड़े ढेर लगे होंगे पायल्ड हाई इन द मार्केट एन एनसी सेट टू वर्क एनएनसी स्टार्टेड वर्क एंड पाइल्ड अप फाइव माउंट ऑफ अर्थ नेर दाथ यहाँ अर्थ का मतलब ज़मीन नहीं है मट्टी है ठीक है माउंट्स ऑफ अर्थ मतलब मट्टी के कुछ टीले से बना लिए उसने अच्छा ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ जस्ट इसके साइड पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पर जो पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ इसके साथ की जो पिक्चर है इसकी तरफ देखें अच्छा ये आपको नज़र आ रहे होंगे ये पाइल्स हैं माउंट माउंट्स हैं ठीक है इसमें उसने क्या किया है नंबर वन माउंट सेकेंड माउंट थर्ड माउंट फोर्थ एंड फिफ्थ जो है इसकी बॉडी के पीछे हुआ ठीक है पीछे है तो फाइव माउंट्स उसने तैयार कर लिए हैं ठीक है यू कैन सी देम हियर ये फाइव माउंट्स उसने बनाए मट्टी के कुछ छोटे छोटे टीले बनाए माउंट्स आर वेरी स्मॉल और जो बड़े बड़े होते हैं उनको हिल्स कहा जाता है ठीक है ओके ही मेड फाइव माउंट्स ऑफ अर्थ नियर द पाथ दे लुक जस्ट लाइक ही हैड प्लान्ट फाइव यम्स अच्छा देख कर ऐसा लग रहा था जैसे उसने फाइव यम्स यहाँ पर अभी बोए हैं ठीक है प्लान्ट मतलब उसने लगाए हैं और इसमें से पौधे उगेंगे तो इसने जो इसका प्लान था उसमें यही इसने जाहिर करना था कि ये जो फाइव माउंट्स हैं ये खाली माउंट्स नहीं हैं इसके अंदर मैंने कोई बीज रखा है जिससे यम्स उगेंगे यम्स मैंने अभी आपको बताया काइंड ऑफ वेजिटेबल होता है वेजिटेबल होता है और ये कौन सा वेजिटेबल है ये अरबी है अरबी कचालू को कहते हैं ठीक है कचालू देन ही सैट डाउन एंड वेटेड ही सैट डाउन एंड वेटेड वो वहाँ बैठ गया और इंतज़ार करने लगा ठीक है सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे देखते हैं इंतज़ार के बाद उसके साथ आगे क्या होता है लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपने इस पेज में जितना हमने पढ़ा है उसमें आपने टेन नाउन्स अंडरलाइन करने वैसे आपको यहाँ पर फिफ्टी नाउन्स भी मिल सकते हैं क्योंकि जगह जगह आपको यहाँ पर नाउन्स दिए हुए हैं लेकिन आपके लिए मैंने ये इजी इस, इसलिए बनाया ताकि आप सिर्फ टेन नाउन्स इसमें ढूंढें और आपके लिए आसानी हो कोई मुश्किल ना हो आप अपनी मर्जी के टेन नाउन्स इसमें ढूँढेंगे नाउन मीन्स नेम ठीक है जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है पॉट पॉट नाम है ठीक है स्टाफ नेम है इस तरह आ, मैजिक नेम है स्पार्क नेम है आ, और ग्राउंड नेम है ठीक है एन एन सी भी नेम है फाइव भी नेम है ठीक है काफ़ी सारे नेम्स यहाँ पर सामने आ रहे हैं लेग्स लेग्स नेम है ठीक है और भी बहुत सारे नेम्स यहाँ पर मनी फूड टेबल फैमिली टीथ ये सारे नेम्स हैं आप मेरे बताए हुए नेम्स के अलावा यहाँ पर बाकी टेन नेम्स ढूँढेंगे और उनको रफ़ कॉपी में लिखेंगे और उसको हमें व्हाट्सएप करें ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि आप लोग किसी भी पैराग्राफ में से नाउन फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं दैट वुड बी अ काइंड ऑफ असेसमेंट फॉर यू i hope you would do the homework. i hope you are enjoying the story and uh, you will be waiting for the next part. so we will be back soon. wish you best of luck for today. allah hafiz.